पूर्वी दिल्ली पुलिस ने करोड़ों की चोरी करने वाले एक गिरोह को अपने गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल आपको बता दें, ये जो चोर थे लगभग 4.5 करोड़ रुपए की चोरी कर कर फरार हो रहे थे। 8 तारीख की शाम लगभग 10 बजे करीब DND फ्लाईओवर से ये कैश वैन लेकर फरार हो रहे थे। जब गार्ड ने इनको रोकने की कोशिश करी तो गार्ड पे इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और वारदात की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई और दिल्ली पुलिस ने ज्वाइंट टीम बनाकर इन आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 8 तारीख शाम को लगभग 10 बजे इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो DND फ्लाईवे है उसके पे क्राउन प्लाजा होटल के बाहर उसके नज़दीक फायरिंग की। इमीडिएटली पुलिस टीम वहाँ पहुँची तो ये पता चला कि जो एक ब्रिंक्स कैश हैंडलिंग कंपनी है उनकी वैन, जो कैश कैरिंग वैन है, उसको लेके 3 लोग उस कंपनी के एम्प्लॉइज वो लोग जा रहे थे, जिसको 2 गाड़ियों ने इंटरसेप्ट किया, एक स्कॉर्पियो और एक निसान साइकिल। उन्होंने इंटरसेप्ट करने के बाद फायर ओपन किया और उनका गार्ड था विशंबर, उसको इंजर किया। उसके बाद उन्होंने कोशिश की वहाँ से कैश वैन को लेकर जाने की, बट उसको ले जाने में नाकाम रहे। उसके बाद वो लोग फिर वहाँ से अपनी एक गाड़ी छोड़कर तो दूसरी गाड़ी में वहाँ से भाग गए। इमीडिएटली केस रजिस्टर किया गया और टीम्स फॉर्म की गई। हमारे दोनों ACP ऑफिसर्स मयूर विहार शोभित सक्सेना और ACP प्रीत विहार रोहित राज भी, उनकी लीडर जॉइंट लीडरशिप में टीम्स बनाई गई। टेक्निकल सर्विलेंस के बेसिस पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे और बाकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, जो रूट देखा गया कैश वैन का, CCTV स्कैन किए गए, फिर उसके बाद फाइनली जो टीम्स थी उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो एक्यूज थे इस केस में इन्वॉल्व। और टोटल इस केस में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से 5 लोग उस दिन वहाँ जब इंसिडेंट हुआ था वहाँ मौजूद थे, और 2 लोग जिनमें से एक ने लॉजिस्टिक्स इनको प्रोवाइड किए, और एक जो अभी भी प्रेजेंट एम्प्लॉई है ब्रिंक्स कंपनी का, एक उनको अरेस्ट किया गया है। टोटल 2 एम्प्लॉइज हैं, एक एक्स एम्प्लॉई है ब्रिंक्स कंपनी का और एक प्रेजेंट एम्प्लॉई है, जिन्होंने जो इनके सेम के विलेज के रहने वाले लोग हैं जिनकी इन्होंने मदद की थी, इंफॉर्मेशन शेयर की थी इनके साथ और प्लान बनाया था इस कैश वैन को रॉब करने का। और इनके पास से हमें टोटल रिकवरी, जो पहले एक तो गाड़ी स्पॉट पे जो मिल गई थी वो है, उसके बाद दूसरी गाड़ी जो यूज़ हुई है क्राइम में, स्कॉर्पियो, वाइट स्कॉर्पियो, उसको भी रिकवर कर लिया गया है। जो वेपन्स इनसे मिले हैं जो उस क्राइम में यूज़ हुए थे, 2 कंट्रीमेड वेपन्स हैं और 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल और 2 कार बरामद कर ली गई है और इनके ऊपर अभी तफ्तीश जारी है। कुणाल शर्मा, समाचार वार्ता।